morning students. Today our topic is features of new economic policy 1991. It means 1991 में हमारी government ने एक new economic policy बनाई थी. कहता उस new economic policy में government ने कुछ reforms किए थे जिसमें 3 major reforms थे और वो 3 major reforms आज की video में हम discuss करते हैं. फर्स्ट मेजर रिफॉर्म था लिबरलाइजेशन, सेकंड था प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड है ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लिबरलाइजेशन. व्हाट डू मीन बाय द लिबरलाइजेशन? देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, लिबरल बनाना किसी चीज को. ठीक है, यानी स्टिकनेस को रिमूव करना. तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू रिमूव द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम आवर इकोनॉमी. इट मीन्स लिबरलाइजेशन से पहले यानी बिफोर 1991 हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री, हमारे बिजनेस पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हमारी गवर्नमेंट ने लगा रखे थे. बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ऑल ओवर रिस्ट्रिक्शंस लिबरलाइजेशन के थ्रू क्या कर दिए गए? रिमूव कर दिए गए. तो रिस्ट्रिक्शंस को, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना ही लिबरलाइजेशन होता है. लिबरलाइजेशन में कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने दे रही हूँ. अबोलिशन ऑफ लाइसेंस, इट मीन्स फ्यू इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्री पर से लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था. इट मीन्स पहले ऑल ओवर इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी था लाइसेंस लेना. विदाउट लाइसेंस आप कोई भी बिजनेस ओपन नहीं कर सकते थे. बट अब फूड इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, ठीक है, लिकर इंडस्ट्री है, ऐसी कुछ इंडस्ट्री है जिनके लिए लाइसेंस मैंडेटरी होता है. बाकी सबके लिए लाइसेंस क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? कैंसिल कर दिया. सेकेंड आता है नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बिजनेस. यानी बिजनेस के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन हम करते थे तो भी हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था. देखो, मैंने एक बिजनेस की ब्रांच ओपन कर रखी है दिल्ली में. अब मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हूँ और मुझे उसके एक ब्रांच कोलकाता में ओपन करनी है. तो कोलकाता वाली ब्रांच के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था. क्योंकि मैं अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे दूसरा लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता था. अब इस टाइप की कंडीशंस भी गवर्नमेंट ने क्या कर दी है? रिमूव कर दी है. थर्ड आता है रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट. कहता टैक्स रेट को भी लिबरलाइजेशन के थ्रू क्या किया गया है? रिड्यूस किया गया है एंड सिंप्लीफाई भी किया गया है. फोर्थ आता है लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. कहते पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए उन सब के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस को काफी हद तक क्या किया गया है? लिबरल किया गया है, रिमूव किया गया है. नेक्स्ट आता है इजी एंड सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया. इट मीन्स भाई फॉरेन कैपिटल को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उसकी प्रोसेस को भी काफी इजी कर दिया गया है. देखो, हमारी गवर्नमेंट चाहती तो है कि फॉरेन कैपिटल ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आए, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन पहले रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा थी कि कोई भी फॉरेन पर्सन यहाँ से अट्रैक्ट ही नहीं होता था. ठीक है, क्योंकि वो सारी रिस्ट्रिक्शंस, वो सारे रूल्स, वो सारे रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ते थे. बट अब हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने वाली जो प्रोसेस थी या फॉरेन कैपिटल को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस बना रखी थी उसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया. फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होने लगा है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस रिमूव होने लग गई. तो फ्रीली आप गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हो? परचेज एंड सेल. लास्ट वन आता है फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कहता गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को डिटर्मिनेट करने की प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा लिबरल बना दिया गया. पहले जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को डिटर्मिनेट करते थे तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी. अब कहता है कि डिमांड और सप्लाई की हेल्प से आप गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को इजीली से डिटर्मिनेट कर सकते हो. तो इसमें भी हमारी गवर्नमेंट ने क्या दे दिया? हमें फ्रीडम दे दिया. तो बेटा ये लिबरलाइजेशन है. लिबरलाइजेशन अगर केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करना है तो बहुत ईजी है. जब भी किसी रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर रखा है, ठीक है, आपको फ्रीडम दे रखी है उस चीज के लिए, तो डेफिनेटली वो आपका रिफॉर्म कौन सा आता है? लिबरलाइजेशन. सेकेंड आता है प्राइवेटाइजेशन. सबसे पहले आता है व्हाट डू मीन बाय द प्राइवेटाइजेशन. कहते प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना और पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना. ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना ही प्राइवेटाइजेशन है. प्राइवेटाइजेशन में 3 मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं.
या थ्री पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है डिस इन्वेस्टमेंट। बच्चों कई बार डिस इन्वेस्टमेंट वन मार्क में स्पेशल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना, ठीक है। इट मीन्स पब्लिक सेक्टर की कोई यूनिट अगर लॉस पे चल रही है, प्रॉफिट अन सफिशियंट नहीं कर पा रही है, तो डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू उस पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिस इन्वेस्टमेंट। इससे कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है BIFR। पहली बार तो नहीं सुना होगा ये, आपने प्लस वन में भी इसको सुना था। BIFR की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन हमारी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया कि अगर पब्लिक सेक्टर की ये कोई यूनिट लॉस पे चल रही है, तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू हम उस पब्लिक सेक्टर को फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प देकर उसको दोबारा से रिवाइव करते हैं, ताकि पब्लिक सेक्टर की वो यूनिट कॉन्टिन्यूस रन हो सके। आजकल तो बच्चों आप लोगों को भी पता है कि BIFR बोर्ड सिर्फ पब्लिक सेक्टर की यूनिट को रिवाइव करने का ही काम नहीं कर रहा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिट को रिवाइव करने के लिए भी ये BIFR बोर्ड काम कर रहा है। ये प्लस वन में भी हमने पढ़ा था। थर्ड आता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर की कोई यूनिट प्रॉपर या सफिशियंट प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है और प्राइवेट सेक्टर ने उस यूनिट को एक्वायर कर लिया है, यानी पब्लिक सेक्टर की, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की कोई यूनिट की 51% ओनरशिप, 51% ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर अगर एक्वायर कर लेता है, तो उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, प्राइवेट सेक्टर ने उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, अगर पब्लिक सेक्टर की उस कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर प्राइवेट कंपनी एक्वायर कर लेती है, तो बच्चों उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी कंसीडर किया जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन में तो मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस हो रहा है। इसके थ्री मेन स्टेप्स थे, डिसइन्वेस्टमेंट, BIFR और प्राइवेट सेक्टर। अगर पब्लिक कंपनी की 51% से ज्यादा ओनरशिप प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ जाती है, परचेज कर लेती है उसके शेयर्स, तो उसको प्राइवेट कंपनी कंसीडर किया जाता है। थर्ड मेजर रिफॉर्म आपका ग्लोबलाइजेशन। कहता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट अवर इकोनॉमी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना ही ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री के साथ हम एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वहां से फॉरेन कैपिटल इंडिया में आए, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। कहते हैं ना पूरा जो वर्ल्ड है वो एक विलेज की तरह बन जाए, तो वो ग्लोबलाइजेशन वाला जो रिफॉर्म है उस पर फोकस डालता है। इसके अंदर मेन मेन कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट आता है इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, यानी इम्पोर्ट को क्या बना दिया, लिबरलाइजेशन बना दिया। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि मैम सेम ये पॉइंट इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन में भी गिवन है फोर्थ, और सेम यही पॉइंट ग्लोबलाइजेशन में भी गिवन है, तो केस स्टडी में आप कौन सा रिफॉर्म लिखें। बेटा पहले बात तो ध्यान से सुनो, जब तक लिबरलाइजेशन नहीं होगा तब तक ग्लोबलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि लिबरलाइजेशन की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया, तभी तो जाकर अनदर जो कंट्री थी वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई, इंडिया में इन्वेस्ट करना उसने स्टार्ट किया। अगर हमारी गवर्नमेंट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव नहीं करती, तो डेफिनेटली फॉरेन जो कंपनीज है, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होते और ग्लोबलाइजेशन भी क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन आप लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों में ही लिख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन टोटली डिपेंड करता है लिबरलाइजेशन पे, ठीक है। तो कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्ट को लिबरल बना दिया गया, आप लिबरलाइजेशन में ही लिख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया गया है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ हैडिंग ऐसा कोई वो नहीं है, बट बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिबरलाइजेशन में लिख सकते हो। कोई बच्चा ग्लोबलाइजेशन में भी लिखना चाहता है तो गलत नहीं है, बट मेरा व्यू है आप इसको लिबरलाइजेशन में लिखो तो ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाएगा। सेकेंड आता है फेरा एक्ट।
फेरा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को कन्वर्ट करके फेमा एक्ट बना दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फेरा एक्ट को कन्वर्ट किया गया और क्या बना दिया गया, फेमा। फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने बना दिया। फिर कई बार बच्चे पूछते हैं मैम फेरा एक्ट में क्या था ऐसा, भाई फेरा एक्ट में क्या था, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसमें फॉरेन की कोई कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती थी तो बेटा रूल्स रेगुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है। फिर हमारी गवर्नमेंट ने उन रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा सा लिबरल किया गया और उसकी जगह पे एक फेमा एक्ट बना दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कहीं ना कहीं फेमा में थोड़ा लिबरलाइजेशन दिया गया, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस को काफी हद तक रिमूव किया गया। अब इसमें भी वही आती है, रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर रहे हो तो डेफिनेटली मैंने ये बात पहले ही बता दी गई है कि ग्लोबलाइजेशन डिपेंड करता है लिबरलाइजेशन पे, ठीक है, तभी तो दूसरी कंपनी हमारी इंडिया में क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। तीसरा आता है रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, यानी जो टैरिफ स्ट्रक्चर था सीमा शुल्क, जैसे जैसे कोई भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम टैक्स वगैरह पेमेंट कर रहे हैं तो कहते हैं कहीं ना कहीं टैरिफ स्ट्रक्चर को हमारी गवर्नमेंट ने रेशनलाइज किया गया, उसको रिड्यूस किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल इंडिया में क्या हो, अट्रैक्ट हो। एक्सपोर्ट ड्यूटी को अबोलिशन का मतलब हटा दिया गया, यानी अगर हम अपनी गुड्स को फॉरेन में सेल करना चाह रहे हैं तो हमें एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्यों हटाया गया, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी को अबोलिश करने के पीछे मेन है ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करना। इट मींस वी सेल अवर गुड्स इन फॉरेन कंट्री मोर एंड मोर, सो अवर गवर्नमेंट इज आल्सो रिड्यूस द एक्सपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, कहता है इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस किया गया, क्योंकि जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं किसी अनदर कंट्री से तो हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स, कहता उस टैक्स को भी रिड्यूस किया गया। बच्चों क्यों रिड्यूस किया गया, ताकि अनदर कंट्री से ज्यादा गुड्स क्या करें, इंपोर्ट कर सके। अगर हम वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी कंट्री में कर रहे हैं तो उस कंट्री के साथ हमारा एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अच्छा रिलेशन क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन आ रहा है। देखो अब एक बार मैं समराइज करती हूँ इस लेक्चर को। लिबरल प्राइवेटाइजेशन में बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी केस को सोल्व करते समय, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के रोल को क्या हो रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है और पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस। समटाइम बच्चों को लिबरलाइजेशन में और ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। देखो बेटा जहां रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया वो लिबरलाइजेशन में ही आता है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने की वजह से अगर हमारी इकोनॉमी का रिलेशन किसी अनदर इकोनॉमी के साथ क्रिएट हो रहा है, फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, फ्रीली टेक्नोलॉजी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, फ्रीली पीपल्स का मूवमेंट हो रहा है, फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने की वजह से, तो वो ग्लोबलाइजेशन में आता है, ठीक है। और कई ऐसे जैसे लाइसेंस को, इसमें ही आपका एक पॉइंट है कि लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सेम इसमें भी है, तो बेटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लिबरल बनाना आप लिबरलाइजेशन में ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिबरल बनाने की वजह से मेरा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये केस में गिवन होगा कि भाई ये इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की गई जिसकी वजह से मेरा इतना इतना इम्पोर्ट क्या हुआ, एक्सपोर्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, उस कंट्री के साथ मेरे का अच्छा रिलेशन क्रिएट हुआ, ऐसे करके केस में कुछ गिवन होगा तो आपका ग्लोबलाइजेशन होगा। अगर दो कंट्री की रिलेशंस की बात हो रही है जहाँ दो कंट्री के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो वाली हेडलाइंस किस में आती है या वो वाली लाइंस ग्लोबलाइजेशन में आती है। एक बार जब भी आप इस टॉपिक को वीडियो देखने के बाद रीड करते हो बुक से तो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जरूर आप एनसीईआरटी की बुक से एक बार जरूर रीड करें और भी अच्छा आपको डिफरेंस क्लियर हो जाता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।